नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज मैं बात करते हैं आज की ताजा खबर और बड़ी खबर है अस्पताल में भटकते मरीज और स्तब्ध डॉक्टर की। जी हां, दौसा जिले के लालसोट में 29 मार्च को प्रसूता की मौत के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज होने से आहत डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के विरोध में राजसमंद जिले भर में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहे और यहां सरकारी हॉस्पिटलों में भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। इसके चलते मरीज इलाज के लिए इधर से उधर भटकते रहे। खासतौर से जो निजी हॉस्पिटल हैं वह दिन भर बंद रहे। इस दौरान मरीज और लोग काफी परेशान हुए। इस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में आनंद हॉस्पिटल की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर शर्मा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें प्रसूता की मौत होने पर उस पर हत्या का केस दर्ज करने व उसे प्रताड़ित करने का जिक्र है। इसी घटना को लेकर पूरी राजस्थान के डॉक्टर कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर उतर गए हैं। आरके जिला चिकित्सालय सहित सभी सरकारी अस्पतालों में सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे तक डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से उपचार के लिए आए मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला चिकित्सालय में सुबह 9 बजे से ही सभी डॉक्टर ने आउटडोर कार्य का बहिष्कार किया। इस कारण अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीज व परिजन डॉक्टर के इंतजार में बैठे रहे व परेशान हुए। अस्पताल पहुंचे मरीजों को क्या कुछ परेशानी हुई जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? से आए हैं क्या? ढोइना से। कितनी बजे आए, क्या बताना? 9 बजे आए हैं, कमजोरी बहुत आ रही है। यहाँ क्या बताया आपको डॉक्टर के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं, 11 बजे आएंगे ये बताया था। पूरन सताना क्या बताना? सिस्टर को क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर तो आए ही नहीं, आएंगे तो दिखाएंगे। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप भी वो लेट आएंगे थोड़ा राउंड पे। क्या नाम है आपका? शंकर लाल कुमार, बामनिया कला रेल मगर। मेरे मिसेज के पेट दुख भी होने था, कहीं अभी वापस जाना पड़ेगा, टाइम ही नहीं था। एक घंटा हो गया, अब वो बोल रहे हैं वापस आ रहे हैं, जा ही नहीं, आधा घंटा हो गया। उर्मिला कितनी बजे आए? और 9 बजे आए, 9 बजे से बैठे हैं। बोले 11 बजे आएंगे, उस 11 बजे के बाद ही देखेंगे। ये दिखानी है, रिपोर्ट दिखानी है, क्या है, क्या दवाई लिखवानी। क्या नाम है, कहाँ से आए? पूर्वीला शक्ति नगर से आए। क्या नाम है आपका? सईद मोहम्मद। क्या बताने आए थे? जांच लिखवानी थी। कितनी देर हुई आपको? 9:30 बजे से आए बैठे हैं, 11 बजे देखेंगे। क्या बताया है? पूछा तो वो बोले 11 बजे तक जो है बंद है। मेरा नाम मोहन देवी। मैं राजसमंद आया, मैं 9 बजे आया। डॉक्टर साहब यूँ बोला कि मैं 11 बजे आऊँगा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। देखिए आरके जिला चिकित्सालय के सूचना पट पर भी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार को लेकर सूचना अंकित की गई। कार्य बहिष्कार के दौरान आरके जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित के नेतृत्व में एक शोक सभा रखी गई, जिसमें सभी डॉक्टर ने शोक व्यक्त किया। साथ ही आत्महत्या करने वाली डॉक्टर अर्चना के प्रति 2 मिनट मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। साथ ही डॉक्टर अर्चना को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। हमारे चिकित्सक साथी कार्डियोलॉजिस्ट लालसोट में जिन्होंने आत्महत्या की है, पुलिस प्रशासन से आहत होकर उसी से
हम सभी चिकित्सा बहुत दुखी है और मैं इस गुजारिश करूँगा कि दुनिया का आत्मा की शांति के लिए अब जानते हैं आरके जिला चिकित्सालय के प्रतिनिधि डॉक्टर रोहित कटारिया का क्या कुछ कहना है। लालसोट में जो महिला चिकित्सक हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है और इस वजह से जो हमारी जो साथ की जो महिला ही चिकित्सक है उसने आत्महत्या की है, तो हम सभी लोगों में वो इसको लेकर दुख है और रोष व्याप्त है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो जिला रिजदा है उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा है, इसलिए 9 से 11 बजे तक हम इस कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और लोगों को कोई समस्या नहीं हो इसलिए इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं और ओपीडी कार्य बहिष्कार है 9 से 11 बजे तक। चिकित्सा संगठन की तरफ से मांग है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार जिसकी भी जिम्मेदारी हो उस पर कार्यवाही की जाए ताकि जो निर्दोष जो चिकित्सक हैं वो इस तरह के जो कदम है वो ना उठाएं। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर आरपी शर्मा व मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सोसाइटी राजसमंद के अध्यक्ष डॉक्टर एमके सिरोहिया के नेतृत्व में प्राइवेट हॉस्पिटल व सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जिला कलेक्ट्री राजसमंद में एकत्रित हुए। जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर सभी डॉक्टर्स ने दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या पर दुख व्यक्त किया। और जहाँ तक हरिजदा के मेम्बरों से बात हुई थी रात को, तो उन्होंने यही बोला है कि आज 9 से 11 के बीच ओपीडी बॉय पर करेंगे और फिर शाम को समस्त चिकित्सक जनों के यहाँ जयपुर मीटिंग, जिसमें से केंद्र से डॉक्टर सजाना जो आए के नेशनल हेड हैं वो भी। अब बात करते हैं सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा से कि क्या कुछ कहना है। दौसा जिले के लालसोट में चिकित्सक के विरुद्ध जो धाराएं लगाकर उसको इस तरह से पेशराज किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, ये घटना बहुत निंदनीय है। हमारे चिकित्सा साथी चिकित्सा संघ इसकी निंदा करते हैं और सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने ऐसी धाराएं लगाई जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है और उसको एक डॉक्टर को सुमरने के लिए बाधित किया, उन सबकी कार्रवाई हो। इस घटना में डॉक्टर अर्चना को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि व समाज कंटकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ बोले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर आर पी शर्मा। राजसमंद के सारे चिकित्सकगण जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हैं, सब बहुत दुखी मन से एक साथ एकत्रित होकर के और कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जो अत्याचार डॉक्टरों पे हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। कल की जो घटना हुई वो इतनी इस पूरे समाज को शर्मसार करने वाली थी, जिसमें एक यंग महिला ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी इसलिए कि उसे इतना जलील किया गया, उसे वो धाराएं लगाई गई 302 की जो कि कभी लगती नहीं इस प्रोफेशन में, और उसके आहत होकर के उस महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया। हम सब आहत हैं, हम निशब्द हैं, स्तब्ध हैं हम कि इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हुआ है हमारे फ्रेटर्निटी में। हम सब इसकी न्यायिक जाँच की मांग करते हैं और जो दोषी थे जिसमें पुलिसकर्मी भी हैं, कुछ लोकल असामाजिक तत्व भी थे जिन्होंने उस मरीज को घर पे, उस डेड बॉडी को घर पे जाने के बाद वापस उसको हॉस्पिटल ला करके उसका प्रदर्शन किया, लोगों की भावनाओं को भड़काया और सड़क जाम की और उन्होंने प्रशासन को फोर्सफुली 302 धारा लगा करके उस महिला को सुसाइड करने के लिए, उस लेडी महिला लेडी डॉक्टर निजी को वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। हम सब मांग करते हैं कि डॉक्टर अर्चना शर्मा उनके परिवार को न्याय मिले, 302 की धारा हटाई जाए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिसकर्मी, जो पब्लिक मैन, उन सबको कठोरतम दंड दिया जाए। जी अभी हमारे जो हेडक्वार्टर पे जो कल डिसीजन हुआ ये 24 घंटे का कंप्लीट बंद था, जिसमें सारी इमरजेंसी सेवाएं, आउटडोर सेवाएं, इन्वेस्टिगेशन की सारी फैसिलिटीज़ हमने बंद रखी है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने 9 से 11 तक अपने कार्य का बहिष्कार किया, लेकिन कल तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकारी डॉक्टर,
प्राइवेट डॉक्टर मिलकर के इस आंदोलन को बड़ा रूप देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की धाराएं नहीं लगे, इस तरह के असामाजिक तत्वों का प्रवेश, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने जिससे कि इन लोगों को सजा मिले और वो आने वाले समय में ऐसी कोई हिम्मत नहीं करे जिससे कि हमको इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आपने देखा किस तरह से अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उनकी मुख्य मांग यही थी कि दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले कार्मिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि, समाज कंटकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर प्रशासन व पुलिस द्वारा सख्त कदम नहीं उठाया गया तो वे पूरे राजस्थान में उग्र हड़ताल करेंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या सरकार सख्त कार्रवाई करती है और अगला डॉक्टरों का क्या निर्णय रहता है। आप इसी तरह की अपडेट खबरों को देखने के लिए बने रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ।